रामबल जिले में एक बार फिर जमीन धस चुकी है और ये जमीन धसने से लगभग 13 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। रामबन जिले के दलवाल ओल दलवा इलाके की बात करें तो वहां पर लगभग 13 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। जमीन धसने से ये घर जमींदोज हुए हैं और स्थानीय लोग जो हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 13 घर जमींदोज हुए हैं, लगभग 100 के करीब लोग जो हैं वो बेघर हुए हैं और ज़मीन जो है वो लगभग 30 के करीब जो कुंबे हैं उनकी ज़मीन धसी। हालांकि घर इसमें जो है वो 13 जमींदोज हुए हैं, लेकिन अगर कुंबों की बात करें तो लगभग 30 कुंबों की ज़मीन जो है वो वहां पर धस चुकी है, जिससे लोग जो हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं और इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि आखिर वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो इसको लेकर क्या कह रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम सर अब्दुल गनी है, सनाफ अब्दुल स्टार 5 हूँ सर। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बाशिंदा हूँ यहाँ का। यहाँ पीछे बैक साइड में हमारा मकान है, 3 मंजिला है। ये सब हमारा जो है जो टोटली डैमेज हो गया, और इसके अलावा हम यहाँ पर 13 घर जो है टोटली डैमेज हो चुके हैं, जिसमें मतलब कुछ भी सारे कम से कम 100 मतलब लड़के यहाँ पर मतलब रहने वाले के बाशिंदे जो है 100 आदमी उनके बीच मकान है जो 13 मकानों में है, वो सब आगे पीछे मतलब हमने किसी टेंट में रखे हैं, कहीं किसी के घर में बेच दिए हैं। सारे नुकसान यहाँ पर जो कम से कम 3x1 किलोमीटर एरिया जो है टोटली निकल रहा है सर, जिसमें मतलब हमारा ज़मीन जो ज़मीन कम से कम ये जो इस एरिया में पड़ रहा है कम से कम 30 घरों की ज़मीन है, लेकिन मकान जो है वो 13 हो यहाँ से हो चुके हैं। और इसलिए हम लोग सारे यहाँ बेघर हो चुके हैं। हमारे को अपने खाने को है कुछ, जितना कोई जिंदगी में जमा पूंजी बनाई थी सब डैमेज हो चुका है, कुछ भी हमारे पास नहीं। अब यही आशा है गवर्नमेंट साहब से और हुकूमत से कि हमारे रिक्वेस्ट ये है कि हमारे को कहीं रहने के लिए जगह दीजिए, और हमारे बाल बच्चे अब ख़त्म है। हम यहाँ पर कोई भी एक भी मुलाजिम कोई नौकरी में इस एरिया में जितना ये एरिया गया है इसमें एक भी मुलाजिम अभी तक गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, सभी मजदूर पेशा लोग हैं और ज़मींदारी कर रहे, माल मवेशी रखते थोड़ा बहुत, बस वही है सर हमारे को। बाकी थैंक यू सर जी। सर मेरा नाम साबर अली है। ये कल रात के कोई रात के अंधेरे में 2 बजे तक कोई पता नहीं चला ये किस वजह से कैसे चाहता है। फिर मुश्किल से हमने बाल बच्चे बाहर निकाला, माल शाल बाहर निकाला, बाकी जो भी था वो ज़मीन में मकान शकान सब ज़मीन में धस गए। इसका कोई पता नहीं है कि इसका क्या हुआ, ये पानी की वजह से जा रही है, कोई बारिश तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, ऐसी ज़मीन चल पड़ी। इसमें तकरीबन 13 घर आ रहे हैं, इसके बीच में पांच घर इसमें बिल्कुल ज़मीन दोज हो गई, बिल्कुल ज़मीन दोज, जिनका कुछ नहीं मिला। एक का नाम है फरीद अहमद अलदे रुस्तम हजाम, वो बिल्कुल गरीब है, उसका दिमाग भी काम नहीं करता है। और दूसरी बेवा है एक हनीफा बेगम, तो उसका मकान भी इसी जद में आके गया। फिर रशीद चौहान है, उसका मकान भी, अब्दुल गनी पाशू, उसका मकान भी इसी ज़मीन में धस गया। और ये मोहम्मद रफ़ी बल्दे कीमा गुजर, इसका मकान भी इसी ज़मीन में धस गए। बाकी 8-9 मकान जो हैं वो भी इसी के जद में आ रहे हैं, वो क्रेक हो गए। बाकी ये 5 मकान जो हैं ये इसकी वजह से बिल्कुल ज़मीन के जद में आ गए। सुना आपने कि किस तरह से लोग जो हैं वो बेहद ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि ये कुदरत का कहर है और लगभग 13 घर जो हैं दलवार और डुलवा की बात करें तो रामबन ज़िले में ये जमींदोज हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोग बेहद ज़्यादा परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि लगभग 100 लोग जो हैं वो बेघर हुए, 13 घर जो हैं वो जमींदोज हुए और इसके बाद लगभग 30 कुंभों की ज़मीन जो है, जिन लोगों की ज़मीन वहाँ पर थी वो ज़मीन जो है वो धंस चुकी है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये भी कह रही है कि कोई जानी नुकसान यहां पर नहीं हुआ है और तमाम जो 13 घरों के लोग हैं उन्हें जो सुरक्षित स्थान है वहां पर जो है वो भेज दिया गया है, ताकि उनको किसी तरह का कोई जानी नुकसान या खतरा जो है वो ना बना रहे। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई घरों में रामबन ज़िले में दरारें आई थी, और ठाठरी की बात करें तो वहाँ पर भी कई घरों में दरारें आई थी, जिसके बाद प्रशासन सख्त था और प्रशासन के द्वारा कई अहम फैसले जो हैं उस पर लिए गए थे, कई टीमों ने वहाँ का दौरा किया था। हालांकि वो मामले अभी ठंडे नहीं पड़े थे कि एक बार फिर रामबन इलाके में जो ज़मीन है वो धसी है, जिससे 13 घर जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं, और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय जो है वो ज़रूर है, लेकिन प्रशासन जो है वो काम पर लगा हुआ है। लोगों को रेस्क्यू किया गया है और बहुत सी दूसरी टीमें जो हैं वो वहाँ पर भेजी गई हैं, जो उसका जायज़ा ले रही हैं कि आखिर यहाँ पर ये ज़मीन जो है वो धंसने का कारण
क्या है। रवि शर्मा, UNT, जम्मू कश्मीर।